CO2 is called, solid CO2 is called dry ice. Dry ice, और इसको कार्डिस भी बोलते हैं. कार्डिस. तो हम लोग करते क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है. कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस स्टेट में 60 एटीएम प्रेशर देते हैं एट रूम टेम्परेचर. ये कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड बनता है. अब इस लिक्विड को हम लोग 20 डिग्री सी टेम्परेचर पर 72 एटीएम प्रेशर के राउंड अबाउट करते हैं. ये वेपोराइज करता है. वेपोराइज करने में क्या होता है, गेट लेटेंट हीट, लेटेंट हीट फ्रॉम लिक्विड, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड सो एज टेम्परेचर फॉल एंड बिकम 0 डिग्री सी एंड दैट मेक्स कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड ड्राई आइस. इस तरह बनता है. एंड दैट काउच, दैट प्रोसेस, दैट काउच कूलिंग, ये चीज कूलिंग क्रिएट करता है. सो यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट इन आइसक्रीम, फ्रोजन फॉर आइसक्रीम, फ्रोजन फूड. इस तरह से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं. ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का ड्राई आइस. अब कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बोनेट्स होता है वो सॉफ्ट ड्रिंक में यूज करते हैं हाई प्रेशर पर. कार्बन डाइऑक्साइड यूज इन सॉफ्ट ड्रिंक एज कार्बोनेट, यहाँ पर दिया हुआ भी है, इसमें हम लोग पढ़ के इसको सीख सकते हैं. आइसक्रीम फैक्ट्री एंड यूज इन कार्बोनेट. कार्बन डाइऑक्साइड यूज्ड एज सॉफ्ट ड्रिंक. कार्बन डाइऑक्साइड यूज्ड एज कार्बोनेट इन सॉफ्ट ड्रिंक में ये इस्तेमाल होता है. कार्बोनेट सॉफ्ट ड्रिंक. सिक्स है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में इस्तेमाल करते हैं. एक सोडियम कार्बोनेट बना के इसको इस्तेमाल करते हैं, फिर बाय कार्बोनेट बन के इसको टूट जाता है. इस तरह से फायर एक्सटिंग्विशर में इस्तेमाल करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया फर्टिलाइजर. यूरिया बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है. किस तरह से, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2NH3 ये रिएक्शन होगा, NH2CO2NH2, इसको हम लोग कहते हैं अमोनियम कार्बामेट. अब ये हीट होगा, ये यूरिया इस तरह से बनेगा NH2CO2+1, ये यूरिया बन गया. ये यूरिया एक कॉमर्शियल नेम फर्टिलाइजर के रूप में, इसको हम लोग यूरिया बोलते हैं. इसका यूपेक नेम होगा अमीनो मिथान अमाइड. ये किताब में नहीं दिया है लेकिन इसका लैंग्वेज लिखा हुआ है, यह अमोनियम कैसे बनता है. इस तरह से हुआ कार्बन डाइऑक्साइड. ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड डिस्कशन है. कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग इसको कर लेते हैं.
अब स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को इस तरह से डबल बॉन्ड बनता है, लीनियर स्ट्रक्चर एसपी हाइब्रिडाइजेशन, इसका हुआ लीनियर शेप, लीनियर शेप, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, एसपी हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन ये हुआ लीनियर शेप। अब हम लोग इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब ये ऑक्सीजन है, ये सिंगल बॉन्ड है कार्बन के साथ, इस तरह से लिख लेते हैं पहले हम लोग। इस तरह से डबल बॉन्ड हो गया, ये हो गया। अब ये डबल बॉन्ड क्या करेंगे हम लोग, ये डबल बॉन्ड एक्सेप्ट होगा, ये यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा ऐसे, और ये डबल बॉन्ड इस तरह से खुलेगा, फिर दोनों साइड में होगा ऑक्सीजन कार्बन, ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया, ये एक्स्ट्रा हो गया। अब ये चीज दोनों साइड में होगा, इधर ट्रिपल बॉन्ड कर सकते हैं, इधर ऑक्सीजन, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गया। इसमें थोड़ा सा पोलरिटी दिखाता है, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, लेकिन मेन मेजर कंट्रीब्यूशन इसका हो गया। ये इस तरह से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को समाप्त कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड के बाद ये जो बताएंगे आपको सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसके बारे में जिसको सिलिका कहते हैं, अब वो इससे इम्पोर्टेंट है ये कार्बन डाइऑक्साइड को। अब इसका टेस्ट एक है, कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट है, उसको समझ लें हम लोग। अब टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विथ कंपेयर विद टेस्ट, इसको जानना जरूरी है, टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट मिलकी अपीयर हो जाता है, ये प्लस वाटर बन जाता है। ये सल्फर डाइऑक्साइड सेम, यहाँ पर यह सल्फर डाइऑक्साइड भी हम ले सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड भी रिएक्शन दे सकता है। जब हम लाइम में कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराएंगे तो मिल्की बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड भी दे देगा। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ नोट करके लिखते हैं बात को, सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूस्ड ऑरेंज कलर K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम रिड्यूस ऑरेंज कलर एसिडिक मीडियम इनटू ग्रीन। हम लोग कहते हैं कि ये Cr2O7 माइनस प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो है 2Cr+3 प्लस सल्फेट आयन बदल जाए, ये ग्रीन कलर का होता है, ये ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज कलर का, ये ऑरेंज कलर का होता है, यहाँ ऑरेंज कलर का होता है, ये हो गया ग्रीन कलर। अगर इस चीज को हम Cr2O7-2 एसिडिक मीडियम का H+ आयन, अगर हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड देंगे नो रिएक्शन, H+ आयन नो रिएक्शन, इसका रिएक्शन नहीं हुआ। पूछता भी है कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, रिड्यूसिंग एजेंट भी है, उसको हम कैल्शियम लाइम वाटर से पास कराते हैं तो दोनों पास कराएंगे तो मिल्की बनेगा, लेकिन हम लोग जो है सल्फर डाइऑक्साइड को ऑरेंज कलर पोटासियम डाइक्रोमेट को एसिडिक मीडियम में देंगे तो ग्रीन कलर में दे देगा, यानी उसको रिड्यूस कर देगा, खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। लेकिन ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऑरेंज कलर पोटासियम डाइक्रोमेट को ग्रीन कलर में नहीं बदलेगा, ये बेसिक डिफरेंस हुआ दोनों के बीच में। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और SO2 दोनों इस रिएक्शन को दे सकता है, SO2 जो है
कैल्शियम सल्फाइड बनाएगा। अगर ऐसे लिखते रिएक्शन हम लोग CaSiO CaSO3 बन जाता। दैट्स ऑल। अब फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको सिलिकॉन डाइऑक्साइड का वीडियो बना देंगे, है ना। इसको ध्यान से एनसीईआरटी किताब रख के पढ़ना है, क्योंकि आप देख रहे हैं डिस्कशन में कि दो एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक पोर्शन में पी ब्लॉक में डी ब्लॉक में आप देखेंगे और एस ब्लॉक में कि दो इनऑर्गेनिक पोर्शन में एनसीईआरटी जो चिप दिया हुआ है वही जीमेन में एडवांस में और नीट में एम्स में हर एग्जाम में लाइन बाय लाइन उठा क्वेश्चन रहता है। इसको एकदम इसलिए हम किताब दिखा दिखा कर बता रहे हैं कि एक आप किताब को सामने रख के वीडियो देखेंगे और लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, ये बहुत आपको नफा पहुंचाएगा एग्जाम के लिए और डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा और मिस्टेक इसमें नहीं होगा आपके और टोटल मार्क्स जो आएगा तो उसमें इसमें एक्यूरेसी रहेगा, इसमें कोई कमी नहीं रहेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।